अभी रिसेंटली जो मार्च में इस्तांबुल में कंपटीशन हुआ था, जिसमें हालांकि मुझे ब्रॉन्ज मेडल हासिल करी मैं, और उसमें मैं फर्स्ट क्वार्टर फाइनल प्री क्वार्टर फाइनल में करंट वर्ल्ड चैम्पियन 2019 की, उसको मैं हराई, रशिया की है। एंड फिर क्वार्टर फाइनल में दो बार वर्ल्ड चैम्पियन कजाकिस्तान की बॉक्सर को हराई मैं। तो एक साल के लॉकडाउन के बाद कम बैक करी 1.5 महीने की ट्रेनिंग करके, फिर भी मैं इतना अच्छा परफॉर्मेंस दी और दो वर्ल्ड चैम्पियंस को हरा के मेरे ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, और उसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई है अपने देश के लिए, अपने तेलंगाना स्टेट के लिए मेडल हासिल करके। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी ऐसे ही और अच्छा परफॉर्मेंस देके मैं तेलंगाना का नाम रोशन करूँगी और साथ ही साथ अपने देश का भी नाम रोशन करूँगी। और आज इस दौरान हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्रीनिवास गौड सर मुझे उस मेडल के जीतने के उसके ऊपर मुझे आज फेलिसिटेट करें, और हमारे चेयरमैन सर भी आए हैं वेंकटेश्वर सर, एंड अपने सेक्रेटरी सर भी आए, तो तीनों मिलके मुझे आज सम्मानम करें, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और आने वाले उनके सपोर्ट की वजह से आने वाले कंपटीशन में भी मैं अपना बेस्ट दूंगी, और अपने स्टेट तेलंगाना स्टेट और अपने कंट्री के लिए भी अपना नाम रोशन करने की पूरी कोशिश करूंगी। और बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से भी मेरे को ऑफिसर पोस्ट का जॉब दिए, तो मैं उसके लिए भी आज स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे श्रीनिवास गौड सर से मिलके आज उन्होंने मेरे को मुबारकबाद दी, तो बहुत खुशी हुई है उनसे मिलकर। और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए मैं अपने तेलंगाना स्टेट का नाम रोशन करूँगी। थैंक यू जी। अभी नवंबर में हमारा वर्ल्ड चैम्पियनशिप रहता, वुमेन्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप, तो मैं उसकी तैयारी कर रही मैं। तो अभी फ़िलहाल अभी 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए मैं बैंगलोर जाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर बॉक्सर्स नहीं है मेरे स्पारिंग पार्टनर के लिए, तो मैं वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करने के लिए कोशिश कर रही हूँ, ताकि आने वाले कंपटीशन के लिए मैं पूरी फुल्ली प्रिपेयर्ड रहूँ।